हेलो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, यहाँ एक बैलेंस शीट आपको दिया है, नीचे कुछ वर्किंग नोट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, शेयर कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, तो ये कहीं नहीं जाएगा। हम आपको बताए थे पूरे बैलेंस शीट के आइटम्स में कुछ भी चेंजेस होता है तो वो कैश फ्लो में कहीं ना कहीं जरूर जाता है। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस देखो बढ़ रहा है 1,05,000, तो ये हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ा है तो ये हो गया, इसका मतलब हम लोग लोन लिए हैं, तो लोन हम लोग का बढ़ रहा है, मतलब लोन लिए हैं, ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा। फिर ट्रेड पेबल हम लोग का इंक्रीज डिक्रीज में जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एक छोटा सा बात आपको अब याद रखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको 2 साल का दिया है कि ये पेड हो गया और इस साल वाले को बोलते हैं ये मेड है, यानी पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम लोग इस साल पे किए होंगे और ये प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल क्रिएट किए होंगे। अब लिखते कहाँ है, तो ये जो पेड हुआ ये ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस होता है और ये जो मेड है 15,000 ये एनपीबीटी में सबसे ऊपर में प्लस होता है, यानी ये है मेड करेंट ईयर का और ये पेड होता है प्रीवियस ईयर का। पेड जो है वो ऑपरेटिंग में माइनस होता है और मेड जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में हम लोग प्लस करते हैं, करके बताएंगे अभी। फिर आप फिक्स एसेट्स में नोट दिया है तो नोट नंबर 1 में आ जाओ। तो यहां देखो फिक्स एसेट्स जो है ऊपर वाला अमाउंट देखना आपको, ये घटा के जो है उससे नहीं, तो ये देखो फिक्स एसेट्स का जो अमाउंट है ये हम लोग का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये परचेस किए 1,55,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। और देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा 16,000, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स के नाम से, ये जो माइनस करके अमाउंट है इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो यहाँ इन्वेंट्री है, ये इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस सबसे लास्ट में लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है तो ये भी इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। अब पेज पलटे तो देखो यहाँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसमें प्रपोज डिविडेंड दिया है, तो प्रपोज डिविडेंड के लिए आप हमेशा याद रखना कि करंट ईयर वाले से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर वाला है ये 2 जगह जाता है, यही मेड है और यही पेड है। मेड है तो ये एनपीबीटी में प्लस होगा और पेड जो है वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, तो यही मेड है यही पेड है, यही एनपीबीटी में प्लस करना है और यही फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड के नाम से माइनस करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये 2 जगह जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होगा और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। फॉर्मेट बना लिए, सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इसमें लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस से हम लोग का प्रॉफिट निकला 1,05,000, ये बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट हुआ, तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एज पर रिजर्व एंड सरप्लस 1,05,000। फिर इसमें ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हम लोग प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस ईयर का देखो 20,000, तो 20,000 यहाँ ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ लेते हैं मेड वाला और मेड होता है करंट ईयर वाला, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का है, करंट ईयर में 15,000, तो ये 15,000 यहाँ लेंगे, तो ये ले लिए 15,000, तो ये हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया 1,40,000। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन यहाँ लिखेंगे, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं। यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग देखे थे एक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था और एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में जो चेंज हुआ देखो 36 से बढ़ के 52 हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 16,000, तो ये 16,000 यहाँ लेंगे और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है तो अब इसको जोड़ेंगे, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,64,000। अब हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले देखो ट्रेड पेबल्स हम लोग का घट गया तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस किए 26,000। फिर इन्वेंट्री में देखो बढ़ गया तो ये भी हम लोग माइनस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 22,000। फिर अदर करंट एसेट्स है और ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल देखो हम लोग का घट गया तो ये प्लस होगा, और अदर करंट एसेट्स में डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये भी हम लोग का प्लस होगा, तो अब हम लोग इसको प्लस कर दिए, प्लस करके जो आया ये हम लोग का निकल गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स, ये आ गया 1,42,000। अब इसमें माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर,
और इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग ये पिछले साल वाला प्रोविजन फॉर टैक्स को पेड मानते हैं 10,000। तो ये 10,000 माइनस किए तो आ गया 1,32,000। ये हम लोग का आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आ जाता तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में एकदम सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग एसेट साइड देखते हैं, पैसा आया है तो प्लस करेंगे और गया है तो माइनस करेंगे। तो यहां देखो फिक्स एसेट्स में नोट नंबर वन है, नोट नंबर वन में देखो यहां फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, यानी फिक्स एसेट्स खरीदे हैं तो पैसा गया है तो इसको माइनस करेंगे। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस में लिखे 1,55,000, और कुछ नहीं था तो यही बाहर हो गया, और इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो यूज्ड लिखेंगे। तो निकालेंगे अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग लाइबिलिटी साइड देखेंगे। यहां भी वही बात, पैसा आया है तो प्लस करेंगे और गया है तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल में तो कुछ नहीं हुआ तो इसको कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गया, इसका मतलब लोन हम लोग और लिए हैं इस साल, तो ये प्लस में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज्ड, प्लस में लिखेंगे 25,000। फिर एक डिविडेंड पेड था, और हम लोग पढ़े थे कि करंट ईयर वाले से मतलब नहीं है, पिछले साल वाला जो है वही ऊपर मेड होता है और वही पेड होता है। तो वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में प्लस किए थे, और यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड के नाम से माइनस कर देंगे। फिर ये इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, और ये बोले दो जगह जाता है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड के नाम से माइनस भी होता है। अब इसको टोटल करेंगे तो आएगा -3,000, और ये हो गया हम लोग का नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो आ रहा -26,000, और ये हो गया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर में हम लोग का कैश एंड बैंक बैलेंस था 59,000, ये 59,000 यहां प्लस करेंगे तो ये क्लोजिंग वाला अपने आप 33,000 हम लोग का देखो निकल गया। ये देखो क्लोजिंग में यहाँ 33,000 है, इसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप बनाइएगा, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। लिखता है सबसे पहले देखो यहाँ शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, ये हो गया 13,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड पेबल में जो भी हो रहा है ये इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिक्स एसेट्स बढ़ा, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा, ये भी परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो इसको कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भेज देंगे। तो ये देखो 10,000 और +30,000, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में हो जाएगा 40,000 और क्लोजिंग में हो जाएगा 55,000। तो इसको हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज में जाएगा। तो इसको आप बना लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।